हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है फैट लॉस, तो मैं पांच ऐसे मेजर पॉइंट लाया हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा ही होगा। सबसे पहला पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट। अगर आपको फैट लॉस करना है तो ध्यान रखें, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट है क्या, इसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। इसमें हम जानेंगे कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, अगर हमें बॉडी वेट गेन करना है तो हमें कैलोरी कितनी होनी चाहिए, अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें कितनी कैलोरी कम करनी है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है प्रोटीन इनटेक। अगर हमें फैट लॉस करना है तो प्रोटीन को हमें अपनी डाइट में डालना ही पड़ेगा। कितना प्रोटीन हम अपनी डाइट में डालें, ये मेजर प्रॉब्लम है हमारी। तो मैं कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ, उसको आप फॉलो करेंगे। मान लीजिए मेरा वेट 50 किलो है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एलबीएस में। एलबीएस में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने बॉडी वेट को। मैं अपने बॉडी वेट को एलबीएस में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 50 × 2.2 इक्वल टू 110। ये हमारा एलबीएस में कन्वर्ट हो गया। अब जितना भी LBS हमारा आया है, इसमें हम 0.7 से 0.9 तक के बीच में किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे प्रोटीन सोर्सेज के ऊपर है कि हम कितना प्रोटीन ले सकते हैं। सपोज कि कोई नॉनवेज ले सकता है, कोई नॉनवेज नहीं ले सकता, कोई सप्लीमेंट ले सकता है, कोई सप्लीमेंट नहीं ले सकता, कोई वेजिटेरियन ही है, उसके पास सोर्सेज ही कम हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लें 0.7 या फिर 0.9। मान लीजिए 110 LBS आपका आ गया। अब इसको 0.7 से मल्टीप्लाई दोबारा कर देते हैं। मैंने जैसे कि बोला था, आप 0.7 ले सकते हैं, 0.8 ले सकते हैं, 0.9 ले सकते हैं, आपके प्रोटीन सोर्सेज के ऊपर है ये। तो हमने 0.7 लिया है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 77 ग्राम। ये आपकी डेली की रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की। तीसरा हमारा पॉइंट है वेट ट्रेनिंग। आपको वीक में 4 से 5 बार वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी है। आपका जितनी भी देर का सेशन है, सपोज कि आपका 45 मिनट का सेशन है, आपका 60 मिनट का सेशन है या 90 मिनट का सेशन है, आपको फोकस के साथ वेट ट्रेनिंग करनी है। जो मेरे लास्ट के दो पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्लीप, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का है हमारा कार्डियो। स्लीप आपको पर नाइट 7 से 9 घंटे के बीच में सोना ही सोना है। आप डिसाइड करेंगे कि 7 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं या 9 घंटे सोते हैं। मेक श्योर जब भी आप सोएं उससे पहले प्रोटीन डाइट जरूर लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी को रिकवरी में हेल्प मिलेगी और आपकी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट कार्डियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी मानता हूँ मैं इसको। मेंटल क्लियरिटी के लिए कार्डियो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं उनको शेयर करें। थैंक यू।